क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट क्वेश्चन इन द लिस्ट, 2019 जेई का क्वेश्चन है, बट कैन बी आस्क्ड फॉर नीट आल्सो. क्वेश्चन नंबर 11, द रेशियो ऑफ सरफेस टेंशंस ऑफ मर्क्यूरी एंड वाटर इज गिवन टू बी 7.5. द रेशियो ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी एंड वाटर, तो मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन और वाटर का सरफेस टेंशन इज 7.5, व्हाइल द रेशियो ऑफ द डेंसिटी इज, तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज 13.6. देयर कॉन्टैक्ट एंगल्स विद ग्लास आर क्लोज टू 135 एंड 0 डिग्री. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ मर्क्यूरी इज 135 डिग्री एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री. आगे बोला है रिस्पेक्टिवली, इट इज ऑब्जर्व दैट मर्क्यूरी गेट्स डिप्रेस्ड बाय एन अमाउंट एच इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस R1. तो हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब है जिसका रेडियस R1 है, उसमें मर्क्यूरी का लेवल एच अमाउंट से नीचे जा रहा है, डिप्रेस मतलब फॉल्स डाउन, व्हाइल वाटर राइजेस बाय द सेम अमाउंट एच इन कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस R2. तो सिर्फ पहले केस में, रिमेंबर, पहले केस में रेडियस ऑफ मर्क्यूरी, जिस कैपिलरी में मर्क्यूरी है उसमें रेडियस है R1, और जिस कैपिलरी में वाटर है उसका रेडियस है R2. हाइट ऑफ मर्क्यूरी इज माइनस एच. वाई माइनस एच? यू नो, डिप्रेस्ड मतलब फॉल्स डाउन, तो नेगेटिव. एंड हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन कैपिलरी इज प्लस एच, राइट. आगे पूछा है द रेशियो R1 बाय R2 इज देन क्लोज टू. तो बहुत सिंपल है, यू नो व्हाट इज इक्वेशन फॉर हाइट, 2t cos theta अपॉन r rho g, राइट. अब आपको फाइंड करना रेशियो ऑफ r, रेशियो ऑफ r ना R1 बाय R2, तो r इक्वल टू 2t cos theta अपॉन h rho g. सिर्फ थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, लिटिल बिट केयरफुल यू हैव टू. H दोनों केस में सेम है, लेकिन एक केस में H नेगेटिव है, याद रखना. या तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, दैट इज व्हाई, नॉट टू मेक एनी मिस्टेक, तो एक काम करो, आप ऐसा लिख सकते हो H ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू H ऑफ वाटर. दोनों केस में हाइट सेम है, एक में सिर्फ लेवल बढ़ रहा है, एक में कम हो रहा है, राइट. देन H ऑफ मर्क्यूरी इज माइनस एच एंड दिस इज प्लस एच, राइट. तो माइनस एच, व्हाट इज एच? 2t cos theta, तो 2t मतलब टी ऑफ मर्क्यूरी, टी ऑफ मर्क्यूरी इक्वल टू cos ऑफ थीटा मर्क्यूरी अपॉन r. मर्क्यूरी के लिए R1 था, इफ यू रिमेंबर इट वॉज R1, rho मर्क्यूरी एंड g. फॉर वाटर विल बी 2t वाटर cos ऑफ थीटा वाटर अपॉन R2 रो वाटर जी. जी जी कैंसल, ये भी कैंसल. आपको क्या चाहिए था? यू आर सपोज टू फाइंड आउट R1 बाय R2. तो R1 बाय R2, सिर्फ R1 को शिफ्ट कर दो वहां पे, तो R1 बाय R2 आ गया, राइट. यहाँ पे ये R1 वहां गया, तो क्या बचा यहाँ पे? Tm, और ये नीचे आके Tw. देन और भी मेथड है, आई एम टेलिंग यू वन ऑफ दिस मेथड, cos of theta mercury upon cos of theta water, right? सिर्फ एक चीज याद रखना है, minus h भूलना मत, क्योंकि if you forget this minus sign, तो answer negative आएगा आपका, that's it. तो theta mercury, cos theta mercury upon cos theta water, क्या रह गया? What else is remaining? Rho water upon rho of mercury. तो ये बन गया आपके पास formula. Then R1 by R2 equal to minus Tm by Tw. What is Tm by Tw? 7.5. So minus 7.5. और क्या है? Cos theta m upon cos theta water. What is cos of theta m? 135. What is cos of theta water? Is 0. Rho W by rho mercury. Rho W by rho mercury 13.6 है. इसका उल्टा. 1 upon 13.6. Right. This is equal to minus 7.5. What is cos of 135? Cos of 90 plus 45. Right. Upon cos 0 is 1. 1 upon 13.6. This is minus sine 45. Cos of 90 plus 45 is minus sine
45 अपॉन 13.6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. एंड व्हाट इज साइन 45? हाँ, 1/√2 राइट है, बट 0.707 अपॉन 13.6. 1/√2 करोगे तो भी चलता है, दिस इज ऑल्सो फाइन. हो गया आंसर, आ गया फाइनली. दिस इज व्हाट यू हैव, लुक एट द ऑप्शंस एंड यू आर डन. आ गया आंसर, आ गया. व्हाट इज 7.5 इंटू 0.7, हाउ टू सॉल्व दिस? व्हाट इज 75 फाइव जा? कितना होता है? 5. आई वॉन्ट टू नो एग्जैक्ट आंसर. 5. क्या? 5. This is how much? 3. How much is this? कितना है ये? 7 7 = 40. तो ये आ जाएगा 5.25 अपॉन 13.6. How much is this approximately? It's not 1/2 for sure. 1/3. Do you see anything like this? I don't see anything like this. Option number kya diya hai? Answer ki mein dekh lete hai ek baar. 2/5. So 2/5 diya hai. So hamara answer 2/5 aa raha hai kya? Nahi? Okay. So you should again calculations acche se hone chahiye. तो ये मेथड नंबर वन है, वो 2/5 ही आता है बाय द वे. देन अब ये 2/5 अगर ऐसा नहीं जमता है तो दूसरा मेथड निकालना पड़ेगा. एंड ऑफ कोर्स ये थोड़ा ज्यादा लेंदी हो गया, तो यू शुड रिमेंबर हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ इजी वे. क्या सेम था? हाइट सेम था, सिर्फ एक में माइनस था एक में प्लस था. तो व्हाट ट्रिक यू कैन यूज इज, क्या क्या कॉन्स्टेंट देख लो. हाइट कॉन्स्टेंट है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है. ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है. तो शॉर्टकट वे से सॉल्व करोगे तो यहां से आपको समझ में आएगा. रेडियस को यहां ले लो, रेडियस को यहां ले लिया तो 2t cos थीटा अपॉन h रो जी. जी कांस्टेंट, h कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, मतलब r इज प्रोपोर्शनल टू t cos थीटा बाय रो. करेक्ट, t cos थीटा बाय रो. तो डायरेक्टली आप बोल सकते थे r1 बाय r2 इक्वल टू t1 बाय t2 cos थीटा 1 बाय cos ऑफ थीटा 2. 1 मतलब मर्क्यूरी, 2 मतलब वाटर. सिर्फ रेडियस का इनवर्स रेशन किसके साथ है? डेंसिटी के साथ. तो ये रो 2 बाय रो 1, राइट? दैट्स इट. बाकी सब 1 1 1, ओके, 2 2 2, और ये उल्टा r1 बाय r2. t1, 1 मतलब कौन था? मर्क्यूरी. मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन और वाटर का सरफेस टेंशन का रेशियो कितना बोला है? 7.5. ये अभी अभी आपने बताया. कॉस ऑफ 135, व्हाट इज कॉस ऑफ 135? कॉस ऑफ 135 इज कॉस ऑफ 90 प्लस 45, मतलब साइन ऑफ 45 इज नेगेटिव साइन, लेकिन मॉड लिया है, पहले ही बोला है, तो ये स्ट्रेट अभी हो जाएगा 1/√2, मतलब 0.70 कॉस ऑफ थीटा 1. मैं वापस बता देता हूं, थोड़ा सा ट्रिक्स अभी चालू करने पड़ेंगे. कॉस ऑफ 135 अपॉन कॉस ऑफ 0 degree, रो 2 बाय रो 1 इज 1 अपॉन 13.6. यहीं पे आधा क्वेश्चन हमारा हो गया. 7.5 अपॉन 13.6, इसको याद रखना. कॉस ऑफ 135 इज माइनस साइन ऑफ 45, लेकिन मैंने पहले ही बोला है कि हम डायरेक्टली मॉड्यूलस की बात कर रहे हैं, क्योंकि मॉड नहीं लिया तो एच की वैल्यू नेगेटिव भी तो नहीं लिया. दैट इज व्हाई डायरेक्टली यू कैन यूज दिस, और रेशो में कहीं पे भी माइनस नहीं है.
तो आया भी तो छोड़ देना माइनस साइन को. देन देन फाइनली 7.5 बाकी सब हो गया एडजस्टमेंट नो प्रॉब्लम विद दैट अपॉन 13.6 साइन ऑफ 45 0.707 पहले भी यही आया था अभी भी यही आया है. आई जस्ट वॉन्ट टू नो हाउ यू सॉल्व दिस थिंग. नॉट वेरी डिफिकल्ट सिर्फ टेबल पता होना चाहिए. Do you know what is 15 nines are? Okay. You know what is 15 fives are? 1.5 fives are and this is 9 nines are. 5 by 9. 5 by 9 और ये आ गया 0.707. ठीक है इसको 0.707 को 0.7 भी लिख सकते हो. आगे क्या करोगे? Because this is something you should know. बताओ आगे क्या हो गया. क्वेश्चन खत्म. दिस इज 35/90 होता है ये अप्रोक्सीमेटली. वापस मैं पूछ रहा हूँ 15 का टेबल पता है 16 का टेबल पता है 2 by 5 आगे. इफ यू नो इट इज रफली 2 by 5 अप्रोक्सीमेटली 2 by 5 राइट. तो ऑप्शन नंबर सी. तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आंसर्स आपको दिए हैं. इट इज दे आर नॉट एग्जैक्ट आंसर्स दे आर अप्रोक्सीमेट आंसर्स. तो यू गेट 2 by 5 दैट्स हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन अच्छे से ध्यान देना थोड़ा सा डिफिकल्ट है लिटिल बिट. टू लिक्विड्स और ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है 2020. टू लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी रो वन एंड रो टू वेयर रो टू इज 2 times of rho 1. तो क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले बता दो कौन सा लिक्विड नीचे होगा कौन सा लिक्विड ऊपर होगा. रो टू जिसका ज्यादा डेंसिटी है दैट इज बिलो एंड जिसका कम है दैट इज अबव. तो आर फिल्ड बिहाइंड अ स्क्वायर वॉल ऑफ साइड 10 meters. हमारे पास एक स्क्वायर शेप का वॉल है उसका साइड 10 meters है उसके पीछे आपने दोनों लिक्विड को भरा है एज शोन इन फिगर राइट. तो ये वॉल का फेस है जैसे ये बोर्ड है दिस इज अ वॉल एंड यू आर लुकिंग फ्रॉम दिस राइट. तो ये जो साइड है ना दिस इज साइड ऑफ द वॉल. आप वॉल को यहाँ से देख रहे हो लुकिंग एट द वॉल. तो क्या दिखेगा 5 meters तक एक लिक्विड ऊपर के 5 meters तक दूसरा लिक्विड क्योंकि आगे बोला है ऐसा ईच लिक्विड हैज अ हाइट ऑफ 5 meters राइट. तो आप वॉल के थ्रू देख रहे हो 5 meters तक एक लिक्विड है और 5 meters तक दूसरा लिक्विड है. द रेशियो ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू दिस लिक्विड एक्सर्टेड ऑन द अपर पार्ट MN टू दैट ऑफ लोअर पार्ट NO. तो यहाँ जो लिक्विड है वो लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करेगा और प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया. तो यहाँ पे जो फोर्स होगा और यहाँ जो फोर्स होगा इन दोनों का रेशियो पूछा है राइट. तो वापस क्वेश्चन समझ लो. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट थोड़ा सा सिर्फ बेसिक्स पता होना चाहिए. हमारे पास एक स्क्वायर वॉल है हम स्क्वायर वॉल को साइड से देख रहे हैं फ्रंट से यहाँ से देखेंगे लेफ्ट से देखेंगे स्क्वायर वॉल को. ये टोटल 10 meters है. इस 10 meters में हाफ पोर्शन मतलब 5 meters तक एक लिक्विड है और ऊपर के 5 meters में दूसरा लिक्विड है. तो यू हैव वन लिक्विड हियर एंड यू हैव अनदर लिक्विड यू हैव वन मोर लिक्विड ओवर हियर 5 meters and 5 meters. तो ये जो लिक्विड है इट ऑलवेज एक्सर्ट्स प्रेशर. वो प्रेशर क्या लगाता है फोर्स. तो ये जो वॉल है इस पे फोर्स कितना और अपर एंड को कुछ नाम दिया है MN. तो ये M हो गया ये N हो गया और यहाँ पे O है. तो अपर हाफ पे मान लो फोर्स है F, लोअर हाफ पे फोर्स है F डैश एंड दिस फोर्स इज ड्यू टू प्रेशर. तो इन दोनों का रेशियो पूछा है तो आपको पता है फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया. तो फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया. यहाँ पे भी प्रेशर P डैश इनटू एरिया. एरिया सेम आएगा क्यों क्योंकि 10 meters में से आधा और आधा तो दोनों लिक्विड के लिए एरिया है सेम. ये 5 meters ये भी 5 meters
तो एरिया विल बी सेम, क्योंकि साइड लेंथ इज सेम और स्क्वायर है तो एरिया सेम, सिर्फ प्रेशर अलग अलग आएगा। क्यों आएगा समझ लेते हैं। सबसे पहले लेट अस मार्क फ्यू पॉइंट्स हियर। मैं इसको बोलता हूँ पॉइंट नंबर वन, इसको बोलता हूँ पॉइंट नंबर टू, इसको बोलता हूँ पॉइंट नंबर थ्री। यू नो मैंने ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे, फोर्स ऑन द अपर पार्ट एम एन इज इक्वल टू एफ विच इज प्रेशर इनटू एरिया। लेकिन प्रेशर कौन लगा रहा है? पूरा का पूरा लिक्विड, ये पूरा का पूरा लिक्विड प्रेशर लगाएगा, राइट? बट प्रेशर तो हम एट अ पॉइंट मेजर करते हैं ना, तो प्रेशर मेजर करने के लिए एक पॉइंट चाहिए। और कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होगा कि इतना सारा लिक्विड है, 5 मीटर तक लिक्विड है, फिर प्रेशर मैं यहाँ पे मेजर करूँ, क्योंकि प्रेशर इज ऑलवेज एट अ पॉइंट, या फिर मैं यहाँ पे मेजर करूँ, या फिर मैं यहाँ मेजर करूँ, या फिर मैं सीधा यहाँ मेजर करूँ। तो ऐसे केसेस में एवरेज लेते हैं, एवरेज। तो यू विल हैव टू टेक एवरेज, तो एवरेज प्रेशर आएगा यहाँ पे, तो इट विल बी इक्वल टू P1 + P2/2। ये जो पूरा का पूरा लिक्विड है, ये पूरा का पूरा लिक्विड फोर्स लगाएगा ड्यू टू प्रेशर, बट प्रेशर इज डिफाइंड एट अ पॉइंट। लेकिन हमारे पास एक पॉइंट नहीं है, ये पूरा लिक्विड है 5 मीटर तक, तो फिर व्हाट विल यू डू इज टेक एवरेज, राइट? और कहीं पे भी क्वेश्चन में बोला है क्या इसके ऊपर क्या है? नहीं, मतलब इसके ऊपर क्या लोगे? वैक्यूम। अगर बोला होता एयर है तो फिर एटमोस्फेरिक प्रेशर। कुछ बोला है क्या यहाँ पे? नहीं। तो व्हाट इज P1? जीरो। तो 0 + P2/2 × A, तो P2/2 × A। What will be pressure at this point to H rho g? What is H? Five. Five. Rho कौन सा rho? ये density, ये पहला liquid है ना, इसका rho क्या था? Rho 1। इसका क्या था? तो rho 1 g/2 × A। ये मिल गया आपको F। हमें चाहिए रेशो ऑफ F एंड F डैश। तो अब F डैश कैसे फाइंड करोगे? सेम लॉजिक। F डैश इज नथिंग बट, फोर्स ऑन द लोअर पार्ट NO। तो लोअर पार्ट पे फोर्स कितना? F डैश विच इज P′ × A। लोअर पार्ट, अपर पार्ट की बात की है यहाँ पे? नहीं। तो लोअर पार्ट पे कौन कौन कितना पोर्शन ऑफ लिक्विड लगाएगा? इतना। तो प्रेशर कौन से पॉइंट में लोगे? P2 एंड P3। तो वापस एवरेज प्रेशर की बात होगी, बट दिस टाइम इट विल बी P2 + P3/2, P2 + P3/2 × A। बट P2 इज नॉट जीरो, P1 क्या था? जीरो। लेकिन P2 जीरो नहीं होगा, P2 क्या है? H रो जी। P2 मतलब इसके ऊपर कितना? H, H मतलब कितना? 5। कौन सा लिक्विड? रो 1। तो दिस इज 5 rho 1 g+। ध्यान दो यहाँ पे, ये हर एक बुक में आंसर इसका गलत दिया, आंसर सही दिया, सॉल्यूशन गलत दिया है, तो ध्यान रखना। दिस इज नॉट हाउ यू आर सपोज टू डू दिस। P3, यहाँ गड़बड़ होती है। P3 थ्री पॉइंट के ऊपर पूरा का पूरा लिक्विड है। हाँ, तो ये 10 नहीं, ये रो 2 है, वो रो 1 है, राइट? तो ये आएगा 5 rho 1 g + 5 rho 2 g। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि 5 मीटर तक रो 2 था और 5 मीटर तक रो 1 था, राइट? तो यह आ जाएगा 5 rho 1 g + 5 rho 1 g + 5। लेकिन रो 2 कितना है? 2 times of rho 1 g/2 × A। 5 5 10, 10 और 10 20, तो यह आ जाएगा 20। रिमेंबर 20 rho 1 g/2 × A। ये हो गया F-, दिस इज F-, राइट? हमें पूछा है रेशो F/F-, तो फोर्स ऑन द अपर पार्ट अपॉन फोर्स ऑन लोअर पार्ट विच इज F/F-, विच इज, ये था अगर याद होगा, 5 rho 1 g/2 × A। ये आ गया 20 rho 1 g/2 × A। कैंसल 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 कैंसल, 1/4, 1/4, ऑप्शन नंबर सी। मैं क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूँ, इंटरेस्टिंग एंड लिटिल डिफिकल्ट, लिटिल डिफिकल्ट ऑफ कोर्स। हमारे पास एक स्क्वायर वॉल है,
स्क्वायर वॉल में दो लिक्विड है, नीचे का लिक्विड जो है उसका डेंसिटी है रो टू, वो 5 मीटर तक भरा है यहाँ तक, उसके ऊपर एक और लिक्विड है जिसका डेंसिटी है रो वन, वो यहाँ तक, राइट रो वन। हमें पूछा है, दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑन द अपर पार्ट एंड ऑन द लोअर पार्ट। तो फोर्स ऑन द अपर पार्ट इज लेट अस से एफ एंड ऑन द लोअर पार्ट इज लेट अस से एफ डैश। फोर्स ड्यू टू प्रेशर इज प्रेशर इनटू एरिया, यहाँ पे भी प्रेशर इनटू एरिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि देखो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, जब आप प्रेशर वर्टिकल निकालते हो, हमारे पास वर्टिकल कॉलम है, यहाँ पे मेरे पास अगर एक पॉइंट होगा, यहाँ पे एक पॉइंट होगा, तो प्रेशर एट दिस पॉइंट आप क्या बोलते हो, एच रो जी, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर लिक्विड का कितना कॉलम है वो देखते हैं हम लोग, राइट। यहाँ पे फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में है ही नहीं, लुक एट द वॉल, यहां पे लग रहा है फोर्स साइड वाइज। पहले क्वेश्चन समझ लो अच्छे से, अगर इसका ही ओरिएंटेशन चेंज कर दिया होता, अगर इसको ऐसा रखा होता, ये वॉल आ गया, यहाँ पे एक लिक्विड, यहाँ पे एक लिक्विड, राइट, तो फोर्स डायरेक्टली डाउनवर्ड होता, वॉल है साइड में, लिक्विड आपने स्प्लिट किया दो पार्ट्स में, प्रेशर अगर एक पॉइंट पे निकालना है ड्यू टू वर्टिकल कॉलम, तो सीधा सीधा होता है एच रो जी, और ये प्रेशर फोर्स कितना लगाएगा, एच रो जी इंटू ए, प्रेशर इंटू ए, करेक्ट, राइट। हमारा प्रॉब्लम ये है कि वॉल वर्टिकल है और लिक्विड हॉरिजॉन्टल है, तो फोर्स यहाँ पे है साइड वाइज, तो ये जो साइड वाइज फोर्स लग रहा है हर जगह पे लग रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ऊपर भी वैसा ही है। अब प्रॉब्लम क्या आ जाता है यहाँ पे कि ये साइड वाइज फोर्स मेजर करना है, तो प्रेशर कौन से पॉइंट पे लू, फिर फोर्स तो यहाँ भी लग रहा है, तो प्रेशर यहाँ लेना है क्या, क्योंकि ये जो लिक्विड है यहाँ पे प्रेशर होगा, कि यहाँ पे लू फिर, दैट इज एन इशू कि कहाँ प्रेशर मेजर करेंगे, क्योंकि ये वर्टिकल कॉलम नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इट इज नॉट अ वर्टिकल कॉलम। तो फिर क्या करते हैं, फिर हम तीन पॉइंट लेते हैं, वी इमेजिन पॉइंट नंबर वन टू बी हियर, पॉइंट नंबर टू टू बी हियर, पॉइंट नंबर थ्री टू बी हियर। ऊपर का लिक्विड कितना फोर्स लगाएगा, उसके लिए जो प्रेशर लगने वाला है वो प्रेशर में हम क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं, जहां से लिक्विड चालू हुआ वहां पे कितना प्रेशर, जहां लिक्विड खत्म हुआ वहां पे कितना प्रेशर, तो P1 प्लस P2 बाय 2, लेकिन P1 जीरो, टू जीरो, उसके ऊपर कुछ नहीं था, जीरो। P2 पॉइंट के ऊपर क्या था, एच रो जी, एच क्या है, 5, रो क्या है, रो 1, तो 5 रो 1 जी। सिमिलरली जो नीचे का पोर्शन है, नीचे के पोर्शन में भी वही दिक्कत है, वही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लिक्विड हर जगह पे है, तो प्रेशर तो हर जगह पे लगेगा, फोर्स हर जगह पे लगेगा, तो अभी फोर्स कैसे फाइंड करना है, तो इसके लिए प्रेशर क्या लोगे, एवरेज 2 और 3 पॉइंट, क्योंकि लिक्विड कहाँ पे है, 2 और 3 पॉइंट के बीच में है, राइट, बट प्रेशर एट पॉइंट 2 यू कैन फाइंड आउट बाय 5 रो 1 जी, एंड एट पॉइंट 3 यू कैन फाइंड आउट बाय 5 रो 2 जी प्लस 5 रो 1 जी, क्योंकि 3 पॉइंट के ऊपर दोनों लिक्विड्स है, तो एवरेज करोगे तो क्या आएगा, एवरेज आएगा P2 प्लस P3 बाय 2, P2 कितना था, ये था P2, P3 कितना था, 5 रो 1 जी प्लस 5 रो 2 जी बाय 2, क्योंकि एवरेज की बात हो रही है, तो सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा 20 रो 1 जी बाय 2 इंटू ए, ये मिल गया आपको फोर्स ऑन द लोअर हाफ। अपर हाफ पे कितना था, 5 रो 1 जी ए बाय 2, लोअर हाफ पे कितना है, 20 रो 1 जी ए बाय 2, रेशियो ले लोगे तो क्या मिलेगा, 1/4। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिर्फ रेशियो है, रेशियो में क्या क्या कैंसिल आउट होता है, कैंसिल आउट कर दो, क्या आएगा आंसर, 1/4। फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ओपन यूट्यूब कंटेन्स मर्क्यूरी, तो हमारे पास एक ओपन यूट्यूब है, ओपन यूट्यूब कंटेन्स मर्क्यूरी, तो पहले अच्छे से क्वेश्चन को समझ लो, ओपन यूट्यूब,
यू हैव ओपन यूट्यूब, ओपन मतलब इट इज ओपन टू एयर एंड यूट्यूब मतलब इट इज इन द शेप ऑफ यू. तो हमारे पास ओपन यूट्यूब है. देन क्या बोला है इसमें, कंटेन्स मर्क्यूरी, इसमें मर्क्यूरी था तो इट हैज मर्क्यूरी इनिशियली. इमेजिन लाइक दिस, तो यू हैव मर्क्यूरी इन दिस इनिशियली. इसको कॉपी करके रख देते हैं, वी विल नीड दिस अगेन. ओके, तो यू हैव मर्क्यूरी. अब जब दोनों ही आर्म में मर्क्यूरी हो, जब दोनों ही आर्म्स में मर्क्यूरी हो, दोनों आर्म में अगर मर्क्यूरी हो तो लेवल होता है सेम, सेम क्यों, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की वजह से फोर्स इज सेम, प्रेशर इज सेम, तो लेवल इज ऑल्सो सेम, राइट. अब ये ओरिजिनल लेवल है, दिस इज ओरिजिनल लेवल, तो इसको मैं मार्क डाउन कर लेता हूँ, दिस इज ओरिजिनल लेवल, ये काम में आएगा हमारे, ये मर्क्यूरी का लेवल है ओरिजिनल लेवल. देन आगे बोला है when 11.2 centimeter of water is poured into one of the arms of the tube, एक आर्म में हमने पानी डालना शुरू किया, कितना पानी डाला 11.2 centimeter. How high does the mercury rise in the other arm from its initial level? तो ऐसा है, as I told you, ये जो लेवल है ये कौन सा लेवल है, ये इनिशियल लेवल है. तो रिमेंबर दिस, यू हैव इनिशियल लेवल, दिस वन, दिस इज इनिशियल लेवल ऑफ मर्क्यूरी. आपने एक आर्म में, यू स्टार्टेड पुटिंग वाटर इन वन आर्म, तो आपने एक आर्म में यहाँ पे इस साइड में पानी डालना शुरू किया, तो वाटर के प्रेशर की वजह से यहाँ का मर्क्यूरी लेवल हो जाएगा डाउन, तो यहां का मर्क्यूरी का लेवल हो गया डाउन, राइट. कितना डाउन हुआ, तो मान लो इट इज y, सम डिस्टेंस y, तो ओरिजिनल के कंपैरिजन में कितना डाउन हुआ, y, राइट. तो जितना यहां पे डाउन हुआ, वहां पे इफ मेजर्ड फ्रॉम हियर सेम नहीं, डबल, तो ये हो जाएगा 2y. एक साइड से अगर 2 सेंटीमीटर नीचे गया है, तो दूसरे साइड में कंपेयर्ड टू द मर्क्यूरी लेवल ऑन वन साइड ये होगा 4, क्योंकि ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y, तो कितना होगा 2y. अच्छे समझ लो, पहले सेम लेवल था ना, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर नीचे जाना, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ऊपर जाना करेक्ट है, राइट. लेकिन न्यू लेवल से कंपेयर करोगे तो एक और एक कितना 2, यहां पे 2 मीटर नीचे गया, तो यहां पे न्यू लेवल से 2 और 2 4, राइट. तो अगर एक साइड पे y से नीचे गया, तो न्यू लेवल के कंपैरिजन में कितना आ गया 2 बार, राइट. और इसके ऊपर क्या था, इस साइड में क्या डाला आपने, वाटर, तो इस साइड में आपने वाटर फिल किया है अप टू सम लेवल, आई डोंट नो विच लेवल, राइट. वही पूछा होगा हाउ हाई, हाँ वो बताया है 11.2, तो ये 11.2 है, दिस इज 11.2, दिस इज 11.2 सेंटीमीटर. हाउ हाई डज द मर्क्यूरी राइज कंपेयर्ड टू ओरिजिनल लेवल, मतलब क्या पूछा है, वाई की वैल्यू पूछी है, वेरी गुड. सो दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, क्वेश्चन समझा अच्छे से. पहला लेवल सेम था, क्यों, क्योंकि दोनों एंड्स ओपन थे, किसको, एटमॉस्फेयर को, और दोनों साइड में लिक्विड था, सेम. जब ऐसा हो तो लेवल होता है सेम. फिर आप एक साइड में वाटर डाल रहे हो, तो वाटर का प्रेशर लगेगा, यहाँ का मर्क्यूरी का लेवल कम होगा, वहां का मर्क्यूरी का लेवल बढ़ेगा. यहाँ पे अगर वाई लेवल डाउन हुआ, तो कंपेयर टू न्यू लेवल वहां पे वाई प्लस वाई कितना आएगा 2y. यहां तक समझा है तो क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट. फिर आपको याद होगा मैंने बताया था कि कभी भी 2 पॉइंट लेना एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, राइट. लेफ्ट हैंड साइड के आर्म में एक पॉइंट ले लो, इसको बोल दो ए पॉइंट, यहाँ पे ले लो इसको बोल दो बी पॉइंट. जब 2 पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हो तो प्रेशर इज सेम, तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी. लेकिन ए पे प्रेशर किसकी वजह से है, वॉटर कॉलम, राइट. तो प्रेशर ड्यू टू वॉटर कॉलम, प्लस वॉटर के ऊपर कौन है,
एटमोसफियर, उसके ऊपर एटमोसफियर, यहाँ पे प्रेशर इज ड्यू टू मर्क्यूरी कॉलम और उसके ऊपर कौन है एटमोसफियर। मैं अभी ट्रिक बना के बता देता हूँ, अभी के अभी ट्रिक बन जाएगा। हमको पता है दोनों के ऊपर कौन है एटमोसफियर, तो प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी, खत्म, ये हो रहे कैंसर। प्रेशर ड्यू टू वाटर इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी, वॉट इज प्रेशर ड्यू टू वाटर, एच रो जी, एच वाटर रो वाटर जी, दिस इज एच मर्क्यूरी रो मर्क्यूरी इन टू जी, जी जी कैंसर। वॉट इज दिस 11.2, वॉट इज डेंसिटी वाटर, वाटर 1000, क्या सेंटीमीटर है क्या, ठीक है सेंटीमीटर है तो डजंट मैटर, और ये भी सेंटीमीटर था तो इसको भी वन लिखो, फाइन दैट्स फाइन, आंसर सेंटीमीटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाइट ऑफ मर्क्यूरी इज 2y, y प्लस y कितना 2y, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इन सीजीएस इज 13.6, करेक्ट। तो यहां पे y इक्वल टू 11.2 अपॉन 2 इनटू 13.6, क्या मिलेगा, हाँ look at the options and tell me what is the answer, look at the options because it is just a pretty simple thing. ek baat batao 11.2 upon 13.6 itna, it's not 1/2, 11/13 ye less than 1 hota hai ki nahi, very good, this is less than 1, less than 1, 1/2 कितना होता है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर व्हिच इज लेस देन 1, लेस देन 0.5, एग्री, 1/2 मतलब 0.5 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर व्हिच इज लेस देन 1, तो आंसर इज लेस देन 0.5, आंसर इज लेस देन 0.5, तो व्हिच इज आंसर व्हिच इज 0.41, तो दिस इज 0.41 0.41 centimeter. You can also solve this with a very shortcut method, but थोड़ा सा सिर्फ इतना पता होना चाहिए, यहाँ पे जितना भी level down होगा उसके कंपेरिजन में double up होगा, अगर ऐसा पता है तो pressure due to water column at point A becomes pressure due to mercury column, मतलब आपको पता है pressure h rho g है, तो h water rho water g तो गया, एच मर्क्यूरी रो मर्क्यूरी, यहाँ से सीधा सीधा आप एच मर्क्यूरी फाइंड कर लो, तो एच डब्ल्यू रो डब्ल्यू अपॉन रो मर्क्यूरी, एच डब्ल्यू कितना था 11.2, रो वाटर कितना है 1, ये कितना है 13.6, करेक्ट, ये सॉल्व करोगे तो आता है 0.82, मैंने क्या बताया ये डबल राइज है, आपको हाफ चाहिए ना इसका, इसका हाफ कितना 0.41, बट ये समझने के लिए ये पिक्चर पहले क्लियर होना चाहिए तब जाके ये समझ में आएगा, तो यू कैन ऑल्सो यूज दिस प्रोवाइडेड इफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन, अ ट्राइंगुलर लैमिना, व्हाट डू मीन बाय लैमिना, थिन थिन सरफेस, जस्ट लाइक अ शीट ऑफ पेपर, एक पेपर जैसा थिन, उसको बोलते हैं लैमिना, तो ट्राइंगुलर लैमिना ऑफ एरिया ए एंड हाइट एच इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इन अ वर्टिकल प्लेन विथ इट्स बेस ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, द थ्रस्ट ऑन द लैमिना इज, क्वेश्चन सिंपल है सिर्फ समझ लो अच्छे से, a triangular lamina of area A, area of triangle is A, height is h, it is immersed in a liquid of density rho in a vertical plane, vertical plane, so vertical plane matlab hamare paas ye liquid hai, isme humne ek triangle ko jiska area A tha us triangle ko vertical plane, vertical plane matlab aisa isko dip kar diya like this with its base at the surface of liquid, aisa, right, base kahan hai surface of liquid pe, itna agar samjha hoga to question solve karna is easy,
What is the thrust on the lamina? Thrust मतलब force on lamina due to liquid, right? तो याद रखो thrust मतलब force, thrust मतलब force, force यहाँ पे एक ही reason से आ सकता है due to pressure, right? तो that is pressure into area. Liquid mechanical properties of fluids के पहले ही लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में थ्योरी लेक्चर में हमने जब प्रेशर डिफाइन किया था उससे पहले एक सेंटेंस था एनी लिक्विड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन सरफेस इन कॉन्टैक्ट. फोर्स करता है लिक्विड एक्सर्ट फोर्स मतलब थ्रस्ट होगा. यस करेक्ट राइट. देन वो जो अप थ्रस्ट है वो यही थ्रस्ट होता है ड्यू टू प्रेशर राइट. अब ऐसा है अगर आपको थ्रस्ट फाइंड करना है मतलब प्रेशर फाइंड करना है एरिया तो ए बोला है और ऑप्शन में ए हर जगह पे है तो आपको पता होना चाहिए. प्रॉब्लम क्या है कि ये दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल इज अ प्लेन लैमिना. लैमिना मतलब मटेरियल इज एवरीवेयर. मटेरियल यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो ये सॉलिड है बेसिकली. इट्स नॉट हॉलो तो ये सॉलिड है. तो अब जो भी प्रेशर लिक्विड इस पे एग्जर्ट करेगा याद रखना ये सेंटेंस बहुत काम का है वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस. फोर्स ऑन अ सॉलिड बॉडी ऑलवेज एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. फोर्स ऑन एनी सॉलिड एक्ट्स एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंटर ऑफ मास. क्योंकि सिमेट्रिक शेप के केस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही जगह पे आता है राइट. Obviously, आप पे भी एप्लीकेबल है. You know what is gravitational force? G m1 m2 by r square. आपको पता है gravitational force is only applicable to point masses and distance is measured from center of earth to center of your body. Correct? लेकिन हमारे हाथ पाँव पे तो force act होता है कि नहीं? यहाँ पे होता है क्या? Act सिर पे, गले पे, होता है ना? तो everywhere it acts. तो मैंने पूछा what is the weight of your body? आप बोलते हो mg, right? What is that m? Mass. लेकिन center of mass. तो the point where gravitational force acts is called as center of gravity. और अगर symmetric body हो तो center of mass और geometric center और center of gravity सब एक ही point पे आते हैं. अब triangle के case में हम ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कैसे करेंगे? तो तीनों वर्टेक्स से अपोजिट एंड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है. इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक नाम है सेंट्रोइड. तो फोर्स ऑलवेज एक्ट्स एट सेंट्रोइड ये पता होगा. अगर ये पता होगा तो अगला भी समझ में आएगा. रिमेंबर ये हाइट कितना बोला है h. Height of triangle is h. Centroid. You know what is the distance of centroid from base? H by 3. Ye hota hai h by 3. Right? Correct? To pressure kon laga raha hai? Liquid. Aur pressure due to liquid column kitna hota hai? H rho g. H rho g. Lekin h kitna? H by 3. H by 3. Ho gaya question solved. 1 by 3 a rho g h. वापस क्वेश्चन समझ लो. तो क्वेश्चन एक्चुअली ओरल है. हमारे पास एक ट्राइंगुलर लैमिना है. लैमिना मतलब हॉलो नहीं है. मास इज एवरीवेयर. देन यू आर पुटिंग दिस इन अ लिक्विड सच दैट इसका जो बेस है वो सरफेस को टच कर रहा है. व्हाट इज द थ्रस्ट? थ्रस्ट मतलब फोर्स. किसने लगाया? लिक्विड ने, राइट. तो फोर्स यहाँ पे कहाँ से आएगा? ड्यू टू प्रेशर. तो फोर्स क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया. बट प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? हाइट पे. बाकी सब तो कॉमन ही है ना. रो जी ए तो आने ही वाला है. सिर्फ देखना है हाइट. और क्योंकि ये लैमिना था मास हर जगह पे है तो फोर्स ऑलवेज एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास ऑफ लैमिना इज एट सेंट्रोइड. सेंट्रोइड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ एच बाय थ्री. तो यह आ जाएगा एच बाय थ्री रो जी ए. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन.
the density rho of water of bulk modulus B at depth y in the ocean is related to density rho zero at the surface by the relation. The density rho of water of bulk modulus B at depth y in the ocean is related to the density at the surface rho zero by the relation. तो सबसे पहले डेंसिटी इज चेंजिंग. जिस फ्लूइड का डेंसिटी चेंज होता है वो रियल फ्लूइड होता है. इट इज नॉट आइडियल फ्लूइड. तो आइडियल फ्लूइड नहीं है. हमारे पास ओशन है. अब यहाँ पे ओशन में सिर्फ वाटर है, बाकी कुछ भी नहीं है. इट इज ओनली वाटर. लेकिन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं यहाँ पे एक वॉल्यूम लेता हूँ, सम वॉल्यूम. आई विल टेक सम वॉल्यूम इन साइड वॉटर. सम वॉल्यूम यहाँ पे आ गया वॉल्यूम. ये रेड डॉट ये वाटर का ही वॉल्यूम है. इट इज नॉट समथिंग एल्स. ये वाटर का ही वॉल्यूम है रेड डॉट. सिर्फ मैं ब्लू के ऊपर ब्लू दिखाऊंगा तो दिखेगा नहीं. दैट इज व्हाई राइट. डेंसिटी चेंज होना मतलब वॉल्यूम चेंज होना, क्योंकि मास तो सेम रहेगा ना. सपोज मेरे पास ये 1 किलोग्राम ऑफ वाटर था, ये भी 1 किलोग्राम ऑफ वाटर है, लेकिन डेप्थ में डेंसिटी ज्यादा है. You know what is density? Mass upon volume. So density rho is mass upon volume. Mass अगर constant है, मैंने बोला 1 kg 1 kg, नीचे density बढ़ेगा तो volume कम होगा, inverse relation. ऊपर density कम होगा तो volume बढ़ेगा. दोनों में mass क्या है, same है. ये याद रखना, mass is same, right? So density ऊपर कितना है, rho जीरो, और यहां पे कितना है रो. ये डेप्थ कितना है वाई. वाई बोला है ना डेप्थ. यस बल्क मॉड्यूलस 11 स्टैंडर्ड का बेसिक भी लगने वाला है यहां पे. व्हाट इज बल्क मॉड्यूलस, व्हाट इज बल्क मॉड्यूलस, डू यू रिमेंबर समथिंग कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेस. Do you remember something called as volume strain? So if you remember this, you must also remember volume stress is delta P, change in pressure, and this is delta V by V. सिर्फ इतना था कि हमने 11th में यहाँ पे लिखा था minus. उसका reason कुछ और था. उसका reason ये था. Remember, उसका reason ये था कि तब हमारे पास एक लिक्विड है. हम इस लिक्विड के अंदर एक बॉल को ले गए. जिस बॉल का वॉल्यूम था V, इस लिक्विड ने इस पे प्रेशर एग्जर्ट कर दिया, और ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड वॉल्यूम डिक्रीजेस. तो ओरिजिनल वॉल्यूम था V, और फाइनल वॉल्यूम है V माइनस डीवी, V माइनस डेल्टा V. वहां पे वॉल्यूम दूसरे ऑब्जेक्ट का, ये जो रेड कलर में है ये वाटर नहीं है. वाटर के अंदर एक बॉल है, जैसे रबर का बॉल, राइट. उसका वॉल्यूम वी था. वाटर में ले गए. वाटर में लेके जाने के बाद क्या हुआ, वाटर ने हर साइड से प्रेशर एग्जर्ट कर दिया इनवर्ड्स. तो इस प्रेशर की वजह से क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया कम. जो वॉल्यूम पहले वी था वही वॉल्यूम हो गया V माइनस डेल्टा V. तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं माइनस. तो वहां पे वाटर के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट था, ये याद रखो. डू यू रिमेम्बर, डू यू अंडरस्टैंड दिस. हमारे केस में वाटर के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी वाटर है. दिस इज ऑल्सो वाटर. 1 kg of water 1 kg of water इक्वल मास. सिर्फ नीचे वॉल्यूम कम है क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है, राइट. ऊपर वॉल्यूम ज्यादा है क्योंकि डेंसिटी कम है. तो यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे. देन दिस इज बल्क मॉड्यूलस बी, राइट. अब यू नो व्हाट इज प्रेशर एट दिस पॉइंट, लेट अस से पी. यू नो व्हाट इज प्रेशर एट दिस पॉइंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यू नो व्हाट इज प्रेशर एट अ पॉइंट पी, P is H rho G, H is Y, rho G plus PO, right? तो यहाँ पे आ जाएगा P minus PO equal to
वायर ओ जी, बट दिस इज नथिंग बट डेल्टा पी वायर ओ जी. इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर वन. यहां तक क्लियर? अब इसी को हम लिख सकते थे, ये v को मैं ऊपर भेज सकता था, तो इस इक्वेशन से ऐसा आएगा डेल्टा भी वहां भेज दिया, डेल्टा भी वहां भेज दिया, ये v ऊपर गया, ये v ऊपर गया, तो v डेल्टा p हो गया और बल्क मॉडुलस नीचे आ गया यहाँ पे. करेक्ट? देन डेल्टा v इज v जीरो माइनस v, राइट, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल, या फिर बड़ा वॉल्यूम माइनस छोटा वॉल्यूम. करेक्ट? देन दिस इज इक्वल टू वी डेल्टा पी अपॉन बी, राइट. तो वी जीरो इज इक्वल टू, इसको शिफ्ट कर दो, वी प्लस वी डेल्टा पी बाय बी. तो वी जीरो इज वी कॉमन वन प्लस डेल्टा पी बाय बी. अब ये जो इक्वेशन नंबर थ्री है इसमें डेल्टा पी जाएगा. करेक्ट? तो डेल्टा पी जाएगा वहां पे. So you will have V0 equal to V 1 plus Y rho G. Y rho G. एक problem याद रखना यहाँ पे. Always remember, यहाँ पे in terms of rho zero है. अगर ऐसे substitute करते हो तो you do not see rho anywhere. तो problem नहीं है, solution आएगा उसका, but you should know this. क्या लिखा है यहाँ पे? Delta P के यहाँ पे Y rho G upon B upon B. Clear? Then what is volume? Mass upon density. तो mass तो same है, upon density अलग अलग है, इसलिए मैंने start ही वहां से किया था. क्या बोला था हमने? Mass is same. One plus y rho g upon b. Cancel and cancel. तो density rho, ये rho zero को वहां shift कर दिया, तो ये रो यहाँ पे आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा वन प्लस वाई रो जी अपॉन बी. करेक्ट? राइट. ये ऊपर जाके क्या होगा? माइनस वन. तो रो जीरो रो वन प्लस वाई रो जी अपॉन बी रेज टू माइनस वन. डू यू नो व्हाट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन? पता है बाइनोमियल एक्सपेंशन? बताओ व्हाट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन? ए प्लस बी रेज टू एन, एन सी जीरो ए रेज टू एन माइनस वन बी रेज टू जीरो प्लस एन सी वन ए रेज टू एन माइनस वन बी रेज टू वन. अभी वो सब छोड़ो, अभी वो सीरीज में जाऊंगा नहीं मैं, इस माइनस वन को इधर लिख देना. जब a प्लस बी वन प्लस समथिंग रेज टू माइनस वन हो तो ये माइनस वन को उतार के सीधा सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना. दिस इज व्हाट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन, निग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स. तो वन माइनस वाई रो जी अपॉन बी, ऐसा कुछ आना चाहिए. है क्या a है? डू यू सी a? आई डोंट सी a. I do not see this. यहीं पे हो गया था क्वेश्चन सॉल्व, यहीं पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया था. रो इक्वल टू रो जीरो वन प्लस वाई रो जी बाय बी. देखो ऑप्शन ऑप्शन बी, सिर्फ वो रो जीरो है तो वो रो जीरो क्यों आया? कहां से आया? कहां से आया? That's it. तो हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व. मैं वापस रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, आई कांट हेल्प इट, है तो है, अब उसको सिंपल करेंगे. हमारे पास क्या है? लिक्विड. लिक्विड में दो पॉइंट्स है, एक y डेप्थ पे है और एक सरफेस पे है, और ये फ्लूइड कौन सा है? कंप्रेसिबल. तो अंदर डेंसिटी कितना है? रो. और बाहर मतलब सरफेस पे कितना है? रो जीरो. करेक्ट? हमको पूछा है रो और रो जीरो का रिलेशन क्या इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस. तो बल्क मॉड्यूलस 11th का पता होगा, तो पता होगा 11th में से वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन.
What is volume stress? Delta P. What is volume strain? Delta V by V. So ye aa gaya delta V by V, right? But pressure at any point is H rho G. H kya hai yahan pe? Y. Y rho naught G, right? Then ab bolenge why rho naught G Q, because you see ye jo point hai zyada dur nahi hai, it is near. So fir main rho naught likh sakta hu kyunki iske upar dekha jata hai na. You see, density rho kahan pe hua? Yahan pe hua. प्रेशर कौन एग्जर्ट करता है? इसके ऊपर का लिक्विड. तो इसके ऊपर का लिक्विड डेंसिटी कितना है? रो नॉट, रो जीरो, राइट? तो दैट इज व्हाई यू कैन राइट डाउन रो जीरो. बुक टू बुक सॉल्यूशन अलग अलग दिया है. तो रो ये इस पॉइंट पे हुआ, इसके ऊपर क्या था? रो नॉट, राइट? तो ये आ गया रो नॉट. तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे लिख दोगे रो नॉट, वाई रो नॉट जी प्लस पी जीरो. तो पी माइनस पी जीरो इज डेल्टा पी. वाई रो नॉट जी, वाई रो नॉट जी इक्वेशन नंबर. Then delta V यहाँ पे V ऊपर B नीचे, delta V V delta P by B. But what is delta V? Change in volume. V zero minus V, इसको shift करेंगे तो plus V common निकालेंगे. Good. But what is delta P? Y rho naught G. Y rho naught G. But what is volume? Mass upon density. Mass same है, पहले ही बता दिया था. Mass mass cancel. मास मास कैंसिल. इसको सॉल्व कर लो. इसको सॉल्व कर लिया तो आ गया आपके पास आंसर रो नॉट 1 प्लस वाई रो नॉट जी बाय बी, ऑप्शन नंबर बी.